भाई कल का टोकन लगाए ऐसा, कल का कल भी सारी दिहाड़ी लगी है सारी टोकन लगने के लिए। आज सुबह 6 बजे के आए हैं, 6 बजे के बैठे हैं, अभी तिकर 21 लंबर नहीं चला। ठीक है, हमारा निक्का साहब मुंडा था वो मरने की हालत में है, उसको अभी अस्पताल छोड़ पे आए हूँ। घर का पता नहीं, घर कौन है कौन नहीं है। 10,000 मिलना है, 20,000 हम खा जाते हैं इधर ही, हमको क्या फायदा। ये कुछ शामत करते हैं, 21 लंबर है, अभी तक 100 लंबर चल जाना था जो लंबर पे चलाते थे। बस 21वां नंबर चल रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं चल रहा। 21 लंबर आया नहीं अभी तक, हाँ आया नहीं। तो क्या मसला है, तीन दिवस से चल रही है, तीन चार। अच्छा, जो बच्चा यहाँ पर बेहोश हुआ है वो किसका बच्चा था? मेरे भाई के, मेरा बच्चा समझ ला, मैं उसका चाचू हूँ। डॉक्टरों ने क्या कहा है? वो अस्पताल है, उसको पुछियाँ पुटियाँ कर रहे हैं, बगलों में भी, दिमाग में भी, उसकी बहुत तबीयत सीरियस है। अच्छा, यहाँ पर क्या आप लोगों के लिए ठंडे पानी का यहाँ पर कोई इस्तेमाल, कोई पंखा वगैरह कुछ है? कुछ कोई शह नहीं, असी अपना कर रहे हैं, मकसद यही दिन दस रहे हैं। 10,000 सानू मिलना है, तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद अस 20-25,000 खा जाने, पेट्रोल पवा देना असी 100-100 रुपये करके। पुलिस के यहाँ पर इंतजामिया कोई नहीं है? यहाँ पर कोई मसला है जिक्र, मैं तो नहीं वेख्या। ठीक है, पूछ लो इन्हें करें दे बैठे हूं ना, लेंदे शनाख्ती कार्ड दो बैठे ना, फसल कार्ड ना को जो वो लगते नहीं है, दुख नहीं लगते। लंबर नहीं चला रहा ना, इधर आया बंदा, हाँ जी उसने मुका है, ये पकड़ो कार्ड ऊपर से। यहाँ पर अवाम मौजूद है, इनसे जानते हैं, अवाम का यही कहना है कि हम सुबह से शाम तक यहाँ पर खड़े रहते हैं मगर हमें पैसे नहीं मिलते। तो मुँह मुलाजे जो सिफारशों पे उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। अम्मा आप कब से आई हुई हैं यहाँ पर? असा ही तो आने साथ आया, पैसे नहीं मिले, कौन मिले पैसे? इंतजामिया ने क्या इंतजामिया ने योग सा सर उल्दे पे मरदे पे कारोबार ही छोड़ के आए हैं, तो दो जिनका भी चले ने आए तो भी अंदर ही नहीं। जिनके आपको कौन मारता है? वो पैसे वाले मारते हैं, पीछे हटो पीछे हटो, अंदर ही नहीं बढ़ देते, कार्ड ही नहीं पेंदे। आप क्या कहेंगे? फोन लेंदे बैठे ना फोना ते गल्ला कर दो ना दे देंदे बैठे दूआ बैठा रहे सुबह 7 बजे दे आए होए हां, निके निके बच्चे मगर छोड़ दे आए हां, ना कोई करण वाला पिछू ना कुछ। कितने बच्चे तुम्हारे? कितने बच्चे? 5 बच्चे छोटे छोटे हैं। कितने देंदे तुसी आ रहे हो? आज चौथा चक्कर लाए खलोते हैं, पिछला तरीक देख लो लिखी हो जनादन। ये किसी की वालदा है, इनके छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ पर रो रही है, इंतजामिया खामोश है। कम से कम अगर आवाम को पैसे देने हैं तो इस तरह का कोई तरीका बनाया जाए, कोई लोग यहाँ पर आए और लोगों को पैसे मिले। यहाँ पर लोगों का बुरा हाल है, यहाँ पर इंतजामिया खामोश है, ना पंखे का इंतज़ाम है, ना यहाँ पर ठंडे पानी का इंतज़ाम है। यहाँ पर ख़वातीन की आप हालत देख सकते हैं कि ये किस तरह यहाँ पर सुबह से शाम तक अपने मासूम बच्चों को घर छोड़ कर आते हैं और यहाँ पर पैसों का इंतज़ार करते हैं मगर यहाँ पर सिफारिश पर पैसे दिए जाते हैं। हमें तो अब आज जो है ना छठा दिन है, कभी अंगूठा नहीं लग रहा, कभी कहते हैं रश बहुत ज़्यादा है कल आ जाना, कभी किसी के हाँ फ़ोन पे सफर जाते उसको दे देते हैं। हमारा जो है ना तकरीबन 32वां नंबर है, वो 32वां नंबर अब नहीं चल रहा, तकरीबन सुबह से 32वां नंबर नहीं आ रहा। और आगे बात करने की कोशिश करते हैं भाई, हम आपके पैसे बंद हो जाएंगे, शिकायत करोगे क्या? कौन कहते हैं पैसे जो डिवाइस के ऊपर बैठे हैं 2-3 लोग, वो एक कहते हैं भाई आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, आप अगर शोर मचाएंगे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। पैसे पता है क्या, पहली बात तो ये पैसे हुकूमत दे रही है, ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा पैसे आपके, हमें तो डराया जाता ना, हमें तो धमकाया जाता, डराया जाता। अगर आपने शोर किया, आपने आगे आने की कोशिश की, आपके पैसे बंद कर दिए जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे पैसे, फिर नहीं कहना कि हमारे पैसे नहीं आ रहे, तो आप चुप करके। हम बैठे होते हैं यतीमों की तरह, जैसे मस्कीन लोग बैठ जाते, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, 6 दिन अब तक नहीं मिले भाई जान। रिश्वत चाह रही है, रिश्वत कार्ड भी खाई आ वेला 23 नंबर आइए दिक्कत, 6 बजे आए हैं, 23 नंबर कार ऐसे खाली जा रहे हैं। 6 बजे के आए हैं, अब तकरीबन 3 बजे का टाइम है, अभी तक आपको पैसे नहीं मिले? कोई पैसे नहीं मिले, ना ही कोई लंबर आया साडा। ये छोटे बच्चे आपके साथ हैं, क्या इन्होंने कुछ खाया है यहाँ? नहीं खाया, हूँ जा रहा हूँ, एक को भर्ती किया अस्पताल, सबको पता ही था, जितनी मखलूक कैमरा फिर यार कैमरा मैंने तो देख, सबको पता है जी। बिल्कुल इंतजामिया खामोश है, डिप्टी कमिश्नर झंग उनसे इनकी अपील है कि आवाम पे रैम किया जाए, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल इरफान हंजरा साहब से इनकी अपील है कि हमें इंसाफ फरहम किया जाए।